नागपुर आरपीएफ टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नागपुर रेलवे स्टेशन पर 56,000 की अवैध शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए तलाशी अभियान में नागपुर स्टेशन पर जनरल कोच को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति तथा एक महिला वजनी बैग के साथ संदिग्ध हालत में मिले, जिससे पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में गहनता से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम सुधीर राजेश खंजर, उम्र 25 वर्ष निवासी जलनगर वार्ड चंद्रपुर, सारिका खंजर, उम्र 23 वर्ष निवासी जलनगर वार्ड चंद्रपुर बताया तथा बैगों में शराब की बोतलें होने की जानकारी कबूली और शराब की तस्करी करने का गुनाह भी स्वीकार किया। उक्त आरोपियों के पास 665 बोतलें मिली, जिनकी कुल कीमत 56,525 बताई गई है। आरपीएफ द्वारा आगे की जांच की जा रही है। यह कार्रवाई वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय महोदय श्री कोटा जी के मार्गदर्शन में की गई। दिनांक 9/3/2022 को ट्रेन नंबर 12722 दक्षिण एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे समय लगभग 17 बजे आई थी। उसी के आगमन से पहले एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि उस ट्रेन से शराब की तस्करी की जा रही है। तो उसी सूचना के अनुसार हमने एक टीम बनाकर गाड़ी को चेक करवाया गया, जिसमें गाड़ी में जनरल बोगी से एक महिला जिसका नाम सारिका खंजर, उम्र 28 ईयर, रहने वाले चंद्रपुर की, एक पुरुष सुधीर राजेश खंजर, उम्र 25 वर्ष, रहने वाला चंद्रपुर का, दोनों को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा, जिनके पास से कुल 650 के समथिंग बोतल बरामद हुई है। प्रत्येक बोतल की कीमत 85 रुपीज और कुल मिलाकर लगभग 50,000 से ऊपर का माल बरामद किया है, जिनको अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी नागपुर को सुपुर्द किया गया है। सर, इसकी पहले भी ऐसी कुछ कार्रवाई हुई इनके ऊपर में, दोनों आरोपी ऊपर में क्या बताएंगे, कुछ तारीख देने का है क्या बताएंगे? आरोपी से इस बारे में अभी तक पूछताछ जारी है कि अब मेरे पास रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि इसके पहले ये इसमें संलिप्त है या नहीं। थोड़ा ये कहाँ से लाए थे और कहाँ लेके जा रहे थे, कुछ बताएं। ये पानोना से इसमें गाड़ी में चढ़े थे और शायद चंद्रपुर की साइड जाने वाले थे, तो ऐसा अभी तक पहले प्रथम दृष्टया इतनी जानकारी मिली है। उपरोक्त कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा श्री आशुतोष पांडे साहब के मार्ग निर्देशन में एक टीम बनाई गई है। टीम मेंबर ASI अश्वनी पवार, आरक्षक नवीन कुमार, आरक्षक राजू मीना, आरक्षक जवाहर सिंह, इनके द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।